हाल ही में श्रद्धा के केस ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर के रख दिया। और क्या क्या होता है लड़कियों के साथ, हम सब इससे परिचित हैं। आज के बाद कोई दूसरी लड़की श्रद्धा न बने, किसी के साथ ऐसी हैवानियत ना हो। चंद पंक्तियां उन लड़कियों के लिए जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में होते हैं, आशिकी जिन पर छाई रहती है, तो इन पंक्तियों को ध्यान से सुने। मुझे उम्मीद है कि इन्हें आप आगे भी शेयर करेंगे। कि बहको तुम मत बेटियों, कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए, सब पर आंखें मीच। सब पर, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। कि भरोसा मत कीजिए, सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के वेश में वेश बदल कर कोई भी आ सकता मारी। माँ बाप के हृदय से घर निकलेगी आह, कभी सफल होगा नहीं तुम्हारा ऐसा प्रेम विवाह। अगर माँ बाप के दिल को ठुकराओगे, उनके दिल को ठेस पहुंचाओगे, तो ऐसा प्यार आपका कभी सफल नहीं हो सकता। और चंद पंक्तियां उन लोगों के लिए जो इस तरह के माहौल को मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न कल्चर समझते हैं और इस तरह की छूट देना अपनी शान समझते हैं। कि आधुनिकता के समर्थकों तुम इतना रखना याद, बिन मर्यादा चरण बिगड़ेगी औलाद, बिन मर्यादा संस्कारों के आने वाली बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र है आपका, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, हम इसे अपनी मर्जी से जिएंगे, जो चाहे वो करेंगे, किसी का क्या है। तो उनके लिए कुछ लाइनें हैं कि जीवन स्वतंत्र है आपका, पर करिए फैसला, एक फैसला जरूर करना कि ऐसा कुछ ना करिए जिससे मुंह छिपाए माँ बाप। कुछ ऐसा मत करना जिससे कि हमारे माँ बाप हमसे मुंह छिपाए, समाज से मुंह छिपाए। कि घर आंगन की गौरैया आप क्या है, कि घर आंगन की गौरैया कुल की इज्जत आप, सावधान रहना सदा षड्यंत्रों को भाप, हमेशा सावधान रहना। यारी दोस्ती करें आप मॉडर्न लाइफ जिए आप, लेकिन हमेशा सावधान रहना। और कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा सकता है, उनको परखते हुए चले। कि टीवी सीरियल की गंदगी सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। कि टीवी सीरियल की गंदगी खत्म किए संस्कार, जालसाज अच्छे लगे गैर सारे अपने लगे, बुरा लगे परिवार। बाहर के लोग सारे हमें अपने लगते हैं और अपने परिवार से हम बगावत करते हैं, अपने परिवार को अपना नहीं समझते हैं। कि कभी जब कभी तन पर चढ़े, जब कभी मन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार, इस दरंदगी को याद तुम कर लेना एक बार। जब भी कभी आपको प्यार इश्क दीवानापन छाए लड़कियों, तो इस दरंदगी को, श्रद्धा के केस को, जिसने की इतनी दरंदगी, इतने
दोस्त थे, इतने सालों साथ रहे, उसके बावजूद भी 35 टुकड़ों में उसे काट दिया। इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानगी कि जब कभी तन पर चढ़े, जब कभी मन पर चढ़े, अंधा इश्क खुमार, अंधे इश्क का बुखार, कि इस दरिंदगी को याद तुम कर लेना एक बार। नारी तुम श्रद्धा रहो, न घर उपयोगी चीज, कोई चीज नहीं, हमेशा नारी बन के रहना। फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फ्रीज, संस्कारों की सराहना कुकृत्य अधिकारवाज, कि संस्कारों को सराहना करें, संस्कारों में रहे, बाप बेटी भाई बहन रिश्ते नातों में रहे, कि संस्कारों की सराहना कुकृत्य अधिकारवाज, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली लड़कियां करेगी तुम पे नाज। कुछ ऐसा कर जाओ कि आने वाली पीढ़ी आप पर नाज करे। और इस केस ने सच में पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया। और अगर आज इस दरिंदगी का सबक ना मिले, आज इस हैवानियत को सजा ना मिले, तो न जाने फिर कितने और बहन बेटियों को श्रद्धा बनना पड़े। मुझे निवेदन करना चाहूँगा सभी माँ बाप से, सभी उन लड़कियों से। हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी एज में, छोटी छोटी सी उम्र में, जहाँ उन्हें खेलना कूदना चाहिए, पढ़ने लिखने पर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर की सोचनी चाहिए, और वहाँ उस एज में वो इस प्यार और इस तरह प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। और माँ बाप जो हमें इतने सालों तक पालते हैं, पोसते हैं, क्या श्रद्धा के माता पिता ने उसे 25, 26 और 27 साल तक इतना अपनापन नहीं दे पाए? क्या वो श्रद्धा अपने माँ बाप के 25, 26 और 27 साल भूल गई? जो लड़का उसे अभी हाल ही में मिला और एक साल ही 6 महीने में प्यार मोहब्बत हो जाता है, और किस तरह से वो अपने घर वालों को त्याग देती है। सोचिए, अगर मम्मी पापा या उसके घर वाले उसे सच में रिश्ता तोड़ देते, तो क्या आज श्रद्धा का पता चल पाता? बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हैं आप? इस दरिंदगी की क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट में अपने विचार सुझाव जरूर रखें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कानून में परिवर्तन हो जाए। कानून में बदलाव होने की जरूरत है। और आज इस तरह के घिनौनी हरकतों की सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए, और वो है फांसी, और ये भी तुरंत सजा सुनानी चाहिए। दोस्तों, केस लटकते रहते हैं, इतने ना जाने कितने केस छोटे मोटी अदालतों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लटक रहे हैं। और अगर 8-10 साल बाद इंसाफ होता भी है, न्याय होता भी है, तो तब तक लोग भूल जाते हैं। अगर तुरंत सजा मिले, तुरंत फांसी हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियां सबक सीखेगी। बाकी आप अपने सुझाव विचार जरूर रखें, और अपने बहन बेटियों को जरूर संस्कार दें। अगर आप लड़की हैं, तो अपने घर वालों की लाज, अपने माता पिता को जरूर आप याद करें। जब भी कोई ऐसा कदम उठाएं आप, तो पहले अपने घर वालों के बारे में सोचें। धन्यवाद।